हेलो, मैं रुचिता शाह आज इस वीडियो में आपको पुणे की इलेक्ट्रिक बसों के बारे में बताने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप रास्ते पे खड़े हो और सडनली एक सीएनजी या पेट्रोल पे चलने वाली बस पास हुई और काला काला धुआं आपके मुंह पे छा गया हो? अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना एक्सपीरियंस लिखिए। पुणे महाराष्ट्र का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, ये तो सब आप जानते हो, लेकिन देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने वाले सिटियों में अभी पुणे भी शामिल हो चुका है, क्योंकि पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड यानी कि PMPML ने पुणे के रास्तों पे 25 इलेक्ट्रिक नई बसों को इंट्रोड्यूस किया है, जो अब आपको पुणे के रास्तों पे सुनाई नहीं देंगी लेकिन दिखाई जरूर देंगी। फुल चार्ज पे ये बसें 225 किलोमीटर की रेंज पे चलती है। पिछले कुछ महीनों से सिटी के करीबन 7 रूट्स पे ये ऑलरेडी चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले प्लग इन इंडिया के हमारे टीम मेंबर्स ने इसी इलेक्ट्रिक बस में मजेदार सफर की, हिंजेवाड़ी फेज 1 से फेज 2 तक। चलो सुनते हैं बस में आवाजें कैसी थी। चाइना बेस्ड कंपनी BYD ने PMPML को ये 25 इलेक्ट्रिक बसें सप्लाई की है और उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी ली है। PMPML के डायरेक्टर सिद्धार्थ शिरोले ने इस मामले में बताया कि सिर्फ BYD ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने 9 मीटर इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया, इसीलिए हमने उनको अपॉइंट किया जो हमें 25 9 मीटर बसेस सप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि हमने आगे भी आपको बताया है कि ये पूरा इलेक्ट्रिक बस प्लान ग्रॉस कॉस्ट कैपिटल मॉडल के अंतर्गत एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। ग्रॉस कॉस्ट कैपिटल मॉडल के अंतर्गत कंपनी सिर्फ हमें बसें ही नहीं प्रोवाइड करेगी, लेकिन इन बसों को मेंटेन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट है, मेंटेनेंस है। बदले में PMPML उनको पर किलोमीटर के बेसिस पे चार्जेस पे करेगा। 9 मीटर इलेक्ट्रिक बस में करीबन 45 पैसेंजर बैठ सकते हैं, प्लस इसको चार्जिंग ओवरनाइट किया जाएगा। रात को 4 घंटे में ये बस फुल चार्ज हो जाती है, जिसके लिए स्पेशल चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं पुणे के भेखर नगर एरिया में और निगड़ी में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हिसाब से इस बस के लॉन्च के पहले 45 डेज में ही इसको पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 13 फरवरी को 25 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च किया था, तब से लेके आज तक PMPML को करीबन 62 लाख रुपए टिकट फेयर में आमदनी हुई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने की हुई एक स्टडी के हिसाब से डीजल या CNG पे चलने वाली बसों के कंपेयर में इलेक्ट्रिक बसें ज्यादा वायबल होती है फाइनेंशियली। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इस क्रांति में देश के और भी बहुत सारे सिटीज जुड़ रहे हैं, जैसे कि आने वाले 4 महीनों में लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड टाटा मोटर्स के साथ जुड़ के अपने शहर में भी इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। वैसे ही वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी, जम्मू, जयपुर की ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी टाटा मोटर्स के साथ टाइप कर चुकी है। अब आप हमें बताइए, क्या आपने कभी अपने शहर में इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल किया है? अगर हाँ, तो आप अपने वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम अपने प्लग इन इंडिया के शो में उसको दिखाएंगे।